अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और ये सब खाना खा के बैठ गए हैं। अभी ये थोड़े देर के लिए नैप लेंगे। गोलू ऑलमोस्ट सो गया है। ये है मनी ब्लैक एंड वाइट, और किट्टू पीली, चिकू टैबी ग्रे वन, और यहाँ पे है एली। ये सब अभी नैप ले रहे हैं। अभी और भी है जो इधर है नहीं। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता मैं ऐसे हैवी करना पसंद करती हूँ। और तो आज मैंने बनाया है पोहे, और साथ में ली है गरम गरम चाय। और अब मैं इसे इंजॉय करूँगी, उसके बाद फिर बताती हूँ क्या काम करना है। मैंने राइस भी रख दिया था ठंडा होने के लिए, और ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, एकदम कूल हो गया है। तो अब मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना लूँगी 5, और यहाँ पे जो 5 डॉग्स हैं उन्हें फीड करूँगी। ये है पिल्लू। और अभी मैंने डिसाइड किया है जो मैं मॉर्निंग में खाना बनाती हूँ इनके लिए, चिकन राइस, तो मैं रात में ही इसके लिए प्रिपेयर करके रख दूँगी। सिर्फ चिकन जो है वो बॉईल करके रख दूँगी, ताकि जब मॉर्निंग में ज़्यादा लेट ना हो मुझे। और साथ में राइस भिगा के रख दूँगी, तो वो मॉर्निंग में नरम रहेंगे, तो चिकन और राइस दोनों ही जल्दी पक जाएंगे। और फीडिंग मैं 8, 7:30, 8 बजे तक कर दूँगी। वैसे अब 9 बज जाता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है बाकी और काम के लिए भी। तो मैं ये थोड़ा एक चेंज करना चाहती हूँ अपने रूटीन में, तो जल्दी करूँगी। यह है बूजो, यह है लास्ट डॉग, लास्ट बिल्डिंग में रहता है। काफ़ी बूढ़ा हो गया है बूजो, तो मैं इसके लिए यहाँ पे आती हूँ। पहले मुझे नहीं पता था कि ये रहता है यहाँ पे, लेकिन जब से मेरे को पता चल गया है कि ये भी है लास्ट बिल्डिंग में, तो मैं लास्ट बिल्डिंग तक आती हूँ इसे फीड करने के लिए। अभी एक बर्ड फ्लू चल रहा है, तो भाई मना कर रहा था कि कुछ दिन के लिए चिकन नहीं लेते। तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो है पेडिग्री पपी। इनको अडल्ट पसंद नहीं है, तो मैं अब से वो खिलाऊंगी इनको। ये जो दो डॉग्स हैं, ये बिल्डिंग के पीछे साइड रहते हैं, और यहाँ पे पानी के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने एक यहाँ पे कंटेनर रखा है, तो मैं इसे फिल कर देती हूँ और इनमें से ये लोग पानी पी लेते हैं इसमें से। तो आप भी अपने आसपास थोड़ा सा पानी ज़रूर रखें इन जानवरों के लिए। ये बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते कि इन्हें प्यास लगी है, भूख लगी है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से हम थोड़ा सा रख देंगे तो कुछ नहीं होता। और ये बहुत अच्छा काम है किसी की प्यास बुझाना और इनसे प्यार करना। अब मैं घर आ गई थी, और मैं अब कर रही हूँ अपनी हेयर ऑयलिंग की तैयारी। तो कोकोनट ऑयल में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ विटामिन ई के कैप्सूल, और इससे मैं अपनी हेयर ऑयलिंग करूँगी, कुछ देर के लिए मसाज करूँगी, और इसे हाफ आवर के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरह से मैं 2-3 तरह के ऑयल मिक्स करके उसे थोड़ा वार्म करके भी यूज़ करती हूँ। दोनों ही तरीके से लगाना बालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। करने के बाद मैंने बेडशीट चेंज की है और इन सबको उठाया था। अब ये फिर से आके बैठ गए हैं। अब यहाँ पे 3 तो आ गए हैं। ये है मनी, टैबी बैठी है, और यहाँ पे साइड में बैठे हैं गोलू जी, और अब ये फिर से सोने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं हो गई हूँ रेडी, और ये ड्रेस मैंने खुद ने स्टिच किया है, तो आप सब बताना ये कैसा है। और अब मैं जा रही हूँ अपने काम पर। अभी हुआ है लंच का टाइम, और आज ऑर्डर किया है बाहर से, तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो अब हम सब मिलके ये इंजॉय करेंगे। यहाँ पे ये बूमरैंग बनाया जा रहा है, इसीलिए ये फ्लैप बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं, और सबने काफ़ी इंजॉय किया, वो काफ़ी टेस्टी था। आप सब भी आइए खाने के लिए। साथ में ऑर्डर किए थे ये मिल्क शेक,
और ये काफ़ी मज़े का था, टेस्टी था। और ये मैंने लिए था ईयरिंग, और जिससे मैंने ये लिया था वो बहुत ही यंग लड़का था। उसके पास दो लेडीज आई, उन्होंने काफ़ी सारे ईयरिंग्स उससे बाई किए और साथ में उससे क्वालिफिकेशन पूछी उसकी, और उन दो लेडीज ने उनको जॉब ऑफर करी। तो उनसे वो लड़के से जब पूछा गया कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो उसने क्या रीज़न दिया कि उसको जॉब नहीं मिली काफ़ी टाइम तक, तो उसने ईयरिंग सेल करने का काम किया। तो मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब के चक्कर में बैठने से अच्छा है कि अपना ही कुछ स्टार्ट कर लो, चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। तो और मुझे ये अच्छा लगा कि उन लोग ने उसे जॉब ऑफर करी, अब बस उसे जॉब मिल जाए इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम से ग्रे जो है बीमार है, इसे कोल्ड है काफ़ी, और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत टाइम से। आप सब प्रे करना इसके लिए कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे मुझे न्यूटर करना है। और ये है रेस्क्यूड मेरा लॉकडाउन का। लॉकडाउन में किसी ने 3 बच्चे छोड़े थे, उनमें से एक बच्चा है ये ग्रे, और जो बाकी के 2 है एक मिसिंग हो गया था और एक ऑफ हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार होके ऑफ हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अपनी कैट्स को स्टरलाइज करो, न्यूटर करो, जिसे बोलते हैं नसबंदी करो, ताकि इन्हें छोड़ना नहीं पड़े रास्ते पे और ये बुरी मौत नहीं मरे। जब आप छोड़ के चले जाते हो इनकी लाइफ हेल हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाना पीना बंद हो जाता है इनका। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ यहाँ पे, और मेरा व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।